मोबाइल सॉफ्टवेयर FRP फ्लैशिंग जैसी नई नई वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा ये चैनल और दबा दीजिए बेल आइकन ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय श्री राम दोस्तों, मेरे पास एक फोन आया था लावा फ्लेयर Z1, उसकी मैंने फ्लैशिंग की वीडियो बनाई हुई है। तो मैं पहले ये बता देता हूँ कि मैंने उसको फ्लैश क्यों किया था। एक्चुअली जब कस्टमर मेरे पास आया था तो उसमें क्या हो रहा था कि जो भी कॉन्टेक्ट उसके फोन में सेव थे वो उसमें शो नहीं हो रहे थे, सिवाय एक या दो कॉन्टेक्ट शो हो रहे थे जो उसके फोन मेमोरी में सेव थे, सिम मेमोरी के कोई भी कॉन्टेक्ट शो नहीं हो रहे थे। तो मैंने उसको फ्लैश किया, तो फ्लैश करने के बाद वो रिपेयर हो गया है। तो मैंने कैसे फ्लैश किया है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी फोन फ्लैश करने से पहले हमें ये देखना होता है कि वो फोन बूट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। उसके लिए हम माई कंप्यूटर में जाकर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वहां से ओपन करेंगे डिवाइस मैनेजर। अब हम ये डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद फिर हम चेक करेंगे फोन को कनेक्ट करके कि हमारे जो ये फोन है हमारे कंप्यूटर से बूट हो रहा है कि नहीं, और ये भी पता चल जाता है यहाँ पे कि ये कौन सा CPU है, ठीक है। तो मैं अब फोन को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। फोन कनेक्ट हो चुका है, इसका मतलब फोन बूट हो रहा है, और इसमें SPRD इसका मतलब इसके अंदर SPD का CPU है, और मैंने फाइल पहले से डाउनलोड की हुई है और एक्सट्रैक्ट की भी की हुई है। इसके अंदर SPD अपग्रेड टूल है, पहले इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसको फ्लैश करेंगे। एक्सट्रैक्ट हो गया है, इसे ओपन करते हैं। ओपन और रिसर्च डाउनलोड को ओपन करेंगे। जो ये सेटिंग्स का ऑप्शन सा दिख रहा है, यहां पर क्लिक करने के बाद जहां पे हमारी फाइल पड़ी हुई है हम वहां पर जाएंगे और वहां से फाइल को ले लेंगे, ठीक है। हमारी फाइल डेस्कटॉप पे ही पड़ी हुई है और लावा Z1 ओपन कर लेते हैं फर्मवेयर, और ये फाइल मैंने ले ली। अब थोड़ा सा समय लगेगा इसको फाइल को कम्प्लीटली रीड होने में, नीचे डॉट 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 आपको चलते हुए दिख रहे होंगे। ये फाइल ले रहा है, अब ये फाइल ले चुका है। और मैंने फोन देखा था कि बूट हो रहा है कि नहीं, वो तो हमारा फोन बूट हो रहा है, तो वो अपने आप ही फिर बाहर निकल चुका था, मतलब बूटिंग से हट गया था। तो मैं दोबारा इसको बूट करने के बाद अब मैंने देखो फ्लैशिंग स्टार्ट कर दी है। दोबारा मैंने इस फोन को कनेक्ट किया है और स्टार्ट पे क्लिक कर दिया और हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से लावा फ्लेयर Z1 फोन फ्लैश होगा, और फ्लैश करने से होगा क्या, कॉन्टेक्ट जो थे नहीं आ रहे थे वो आने लगेंगे, क्योंकि फ्लैशिंग करने के बाद उसमें कॉन्टेक्ट आने लगे हैं। तो ये सिस्टम फाइल हमारी राइट हो रही है। फ्लैशिंग स्टार्ट है, हमारी फ्लैशिंग चल रही है। यहाँ पे ये एरर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फ्लैशिंग फेल हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। हमारी फ्लैशिंग 100% सक्सेस हुई है और हमारा फोन ऑन होगा, और जो भी इसके अंदर फॉल्ट